सब कैसी हैं आप? जी अल्लाह का फजल, बेहतर नहीं। मैं हैरान हूँ कि आप सुबह सुबह उठ जाती हैं। मेरा ख्याल है, देखिए जी, सुबह उठना अगर ज़िंदगी में इंसान ने वाकई कुछ अकम्पलिश करना हो ना, तो जो अल्लाह ताला का वक्त का बारे में है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, सर्कैडियन रिदम होता है कि आपके जो हार्मोन्स हैं, पर्टिकुलरली कॉर्टिसोल, जो आपको काम पे लगाते हैं, वो एक ख़ास वक्त पे सिक्रीट होना शुरू होते हैं। यानी सहर के बाद वो बढ़ते चले जाते हैं और दोपहर 2 बजे तक उनका मैक्सिमम वो हार्मोन्स होते हैं, ताकि आप अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी कर दें। फिर जो कैलूला जो है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप एग्जेक्टिव नैप कहते हैं, कि जो आधा पौना घंटे के लिए आप अपने आप को ब्रेक दें और फिर वो सर्कैडियन रिदम शुरू होता है। डॉक्टर साहब, आप एक टफ फाइटर हैं, लेकिन उसके बावजूद आपके चेहरे पे एक सुकून होता है, एक इत्मीनान होता है, इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, मेरा ख्याल है इंसान अगर अपने दिल में दिल साफ हो ना इंसान का, और जो वो दिल में सोचता है वो उसकी शक्ल पे भी नज़र आए, तो सुकून ही सुकून होता है। वजह ये है कि ये जो शक्लों के ऊपर चेंज आता है, ये मुनाफ़त की वजह से आता है। लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी। जी जी। तो क्या आप इस पे अमल करती हैं या अपनी दवाइयाँ, अपने इलाज सारे अपने आप पर ही आज़माती हैं? नहीं नहीं जी, जब आप हंसते हैं तो आप एक ख़ास हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज सेरोटोनिन, और वो जो हार्मोन है, वो एंडोर्फिन जो आप आती हैं, वो बेसिकली दे मेक यू फील गुड। सो लाफ्टर इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। डॉक्टर साहब, आप बज़ाहिर तो एक आम घरेलू खातून लगती हैं, लेकिन अंदर से आप एक फियरलेस वॉरियर हैं, तो अंदर और बाहर में कोई तालमेल नज़र नहीं आता। मेरे वालिद साहब जो थे वो एयरफोर्स के थे, और वालदा जो थी डॉक्टर थी, हमने तो आँख खोलते ही अपने घर में वॉरियर्स ही देखे। तो और लेकिन सादा ज़िंदगी जो है, उस बात पे हमारे वालिद साहब ने हमेशा एम्फसाइज किया। उन्होंने कहा ज़िंदगी हमेशा सादे तरीके से गुजारनी चाहिए। आपके वालिद साहब एयरफोर्स में थे और वालदा डॉक्टर थी, तो बचपन तो खासा घूमते फिरते गुजरा होगा। जी बिल्कुल सही। असल में पहले 5 साल तो मेरे अपने दादा दादी के पास गुजरे गांव के अंदर। वालदा हमारी पढ़ रही थी, फिर कुछ अरसे के लिए मेरे वालिद और वालदा अमेरिका चले गए, और एडमिशन मेरी जो थी वो पहली दफ़ा यहाँ दस्तान सूफिया में की थी, तो तब मैंने बिल्कुल रिबेल करके वापस दादा के साथ चली गई थी। फिर 5.5 साल की उम्र में मैं दाखिल हुई प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पेशावर में, और उसके बाद चल सो चल तो हमें मौका मिला। हम वालिद साहब क्वेटा भी गए अपने स्टाफ कॉलेज कोर्स पे, तो 1 साल हम क्वेटा रहे। फिर एयरफोर्स बेस इस्टाब्लिश हुई सरगोधा के अंदर, तो वालिद साहब मेरे, बिकॉज ही वाज़ अ फाइटर पायलट, फिर आखिरी मेरे वालिद साहब की पोस्टिंग की थी दैट वाज इन, अब जिसको मसरूर एयरबेस कहते हैं ना, उधर थे मौर्यपुर में। दादा के पास गाँव में गुजरे हुए दिन कैसे थे? मेरे अब्बा की पुप्पी जो थी वो मेरे दादा के पास ही रहती थी, जहान बेगम नाम था, तो उनको सारी पुप्पी जानो कहते थे, तो मैं हम भी जाके कैसे कहते पुप्पी जानो असा कहानी सुनाओ। उन्होंने कहानी सुनाई शुरू की कि नीला गांव का नाम था हमारा, तो कहती हैं ये नीला आया ना, इसका बादशाह आया, उसका नाम आया नील बादशाह। तो एक हमारे गांव के करीब से स्वांग दरिया गुजरता, तो सारे लोग अपने कपड़े धोने वहाँ जाया करते थे, तो कहते हैं वो एक धारा डमनी चाक है, आपको पता है डमनी वो थी जिससे वो कपड़े, डमनी चाक है, तो वो वेंदा पे अपना कपड़े धोना वास्ते स्वांत है। तो मेरे दादा पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा तो मेरी दादी उन्होंने पुप्पी ने कहा क्यों होया लाला, उन्होंने आके क्यों कूड़ी गल्ला बच्चा पे दसे नहीं है, वो कहड़ा बादशाह जे डमनी चाक। कैन यू बिलीव इट कि 4 साल की उम्र में हमारे दादा हमें ये समझा रहे थे कि बादशाह कौन होते हैं, और जो हमारे मुल्क में बादशाह नहीं है। वैसे तो जो हमारे मुल्क में जितने भी हुक्मरान आए हैं, इन सारों को बादशाह बनने का तो बड़ा शौक रहा है। बादशाहत का तो मतलब होता है कि आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, इंसानों की ज़िंदगी बेहतर हो या ना हो, दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन इट। अगर बादशाहत अच्छी होती तो फिर डेमोक्रेसी की कभी बात ना होती। तो बड़ी छोटी उम्र से मैंने इलेक्शनों का काम जो था वो शुरू कर दिया था, और फिर उसके बाद नेचुरल वंस आई बिकेम अ डॉक्टर, फिर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की इलेक्शन जो थी वो लड़ी मैंने। तो मेरे ससुर मुझे देखा करते थे कि मेरा जो शौक है, और मैं से बहुत शेयर करते थे कि अब्बा जी बहुत, क्योंकि खुद सियासतदान थे पीपल पार्टी के ज़माने में, वो इसके एजुकेशन के मिनिस्टर रहे भुट्टो साहब की रिजीम में,
तो वो बहुत इंटरेस्ट लेते थे मेरी सियासत के अंदर और मुझे बहुत उन्होंने मेंटरिंग की मेरी, बताया करते थे कि आपने किस तरह करना है। मुझे अभी तक याद है, मैं जनरल सेक्रेटरी की इलेक्शन लड़ रही थी तो मेरा टेबल टेनिस का टूर्नामेंट आ गया यूनिवर्सिटी का, डेरा इस्माइल खान में चली थी और इलेक्शन को अभी 5-6 दिन बाकी थे तो 2 दिन वहाँ मैं इलेक्शन। अब मैं वापस आई हूँ तो मेरे ससुर ज़्यादा परेशान थे कि आप चली गई 3 दिन के लिए, आपको पता नहीं था कि आपकी इलेक्शन है, आप कैसे इलेक्शन अपनी छोड़ के चली गई। आपकी दोस्तों का टेलीफोन आया कि हॉस्टल में आपकी पोजीशन वीक हो गई। जिस जमात को आप तांगा पार्टी कहती थी उसी में आप आ गई, ये कैसे हुआ? उन्होंने मुझे बुला के कहा कि बेटा आपने रिटायर कब होना है? मैंने कहा बजी 2 साल रहेगी। तो कहते हैं आपने सियासत में जाना है, ये तो पक्की बात है। मतलब ये तो उन्होंने तय किया था ना कि मैंने सियासत में जाना है। तो कहने लगे कि अब हमारे पास पीपल्स पार्टी में जगह नहीं है। मैंने कहा भाजी आप क्यों ऐसी बात कर रहे? कहते नहीं, जो 2 मार्शल लॉज ना कर सके, बिगाड़ सके पीपल्स पार्टी का, वो एक जरदारी ने कर दिया। तो मैंने भाजी से कहा कि भाजी फिर मैं कहाँ जाऊँगी? तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इमरान खान का सोचिए, 2008 की बात कर रही हूँ, आप खुद सोच सकते हैं किस लेवल पर थी। और मैंने उनकी बड़ी हैरानी से शक्ल देखी, मैंने कहा जी आर यू श्योर? तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड यस आई एम। हिज वर्ड्स वर द मैन हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल। मैं उनके बयान पढ़ता हूँ, ही लव्स पाकिस्तान। 2010 में जब पार्टी ज्वाइन की तो मैं दिल में सोचती हूँ कि वो कितने दूर अंदेश थे। शादी के बाद जो टाइम आपने अपने शौहर को देना था वो आपने पढ़ाई लिखाई को दे दिया और उसके बाद आपने अवाम को दे दिया, घर को और बच्चों को कौन सा टाइम दिया? देखिए जो प्रोफेशनल औरतें होती हैं ना वो बड़ी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, उन्होंने वक्त तय किए होते हैं हर चीज़ के लिए। अपने सारे बच्चों को मैंने स्विमिंग खुद सिखाई, वो कहते हैं ना एक बड़ा बॉन्डिंग का वो होता था, टेबल टेनिस खेलना सिखाया, फिर उसके बाद उनको नेचुरली होमवर्क भी कराना, सब कुछ कराना। मियाँ मेरा ने बहुत कुर्बानियाँ दी लेकिन उन्होंने सारी ज़िंदगी मुझे सपोर्ट किया हर चीज़ में। जो भी मेरी एक्टिविटीज़ होती थी मेरे सारे बच्चे मेरे साथ हुआ करते थे। वी हैड लॉट ऑफ क्वालिटी टाइम टुगेदर। माशाल्लाह अब तो मेरे 4 बच्चे दे आर वेरी वेल सेटल्ड। बेटी मेरी बड़ी डॉक्टर है, शी इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, शी इज़ इन इंग्लैंड एट द मोमेंट। बड़ा बेटा जो है पायलट है, दरमियान वाला स्टेट ऑयल में काम करता है, छोटा वाला जो है ही इज़ वर्किंग विथ मैकेंसी। खुश नसीबी ये भी थी मेरी कि मेरे मियाँ की पुप्पी जो थी वो हमारे साथ रहती थी, तो असल माँ तो वो मेरे बच्चों की वो थी। जितनी आप अथॉरिटेटिव हैं शायद यही वजह है कि आपके खावंद शिकायत करने की जरूरत भी नहीं करते। नहीं, मेरा ख्याल है ये भी गलत फहमी है। मसला ये है कि शादी, मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ, इस पार्टनरशिप बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि आप अपनी बीवियों की बात सुने ज़रूर। माई हस्बैंड इज़ अ वेरी वेरी वो सेंसिबल ह्यूमन बींग, अगर वो जो चीज़ ना माननी हो तो वो नहीं मानते बिल्कुल, लेकिन हम हमेशा बैठ के डिस्कस करके और फिर इसके ऊपर बात। लेकिन ये है कि उन्होंने हमेशा सपोर्ट मुझे ज़रूर किया। ये जो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज है उसमें क्या ऐसी ख़ास बात है कि वहाँ से यास्मीन राशिद हों या फिरदौस आशिक अवान हो, वो एक दबंग सियासतदान बन के निकलती है? आपका एल्मा मैटर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। हमारी कॉलेज के अंदर हर किस्म की एक्टिविटी होती थी। जिस ज़माने में मैं थी इतनी रोबस्ट हमारी स्टूडेंट्स यूनियन हुआ करती थी। उसके अलावा आपका ड्रामेटिक क्लब होता था, फिर आपकी हर साल एक एनुअल निकलता था, स्पोर्ट्स डे बहुत विग्रस हुआ करता, मतलब हर किस्म की एक्टिविटी हुआ करती थी। तो मैं तो अगर आज किसी को क्रेडिट अपनी जो भी मैंने ज़िंदगी में हूँ तो बहुत बड़ा क्रेडिट जो एज अ डॉक्टर मैं कहती हूँ, अगर फातिमा जिन्ना की जो मेरी बेसिक एजुकेशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि आप सोच भी नहीं सकते। स्टूडेंट